मुंबई। कितने दिन हुआ गोरखपुर आए? दो हफ्ता। अभी तो अच्छा जांच वर्ष सब हो गया था, तो आप अपने घर क्यों नहीं गए? घर गए फिर करा के गए तो फिर भी नहीं रहने दे रहे हैं। मकान मालिक लोग मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, भाड़े पे रहते हैं ना। हाँ अभी आप जिससे बात हो रही थी वो रहने वाले गोरखपुर के ही हैं। आज इनसे स्टेशन रोड पे अभी हमसे मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मालूम चला कि ये क्यों सड़कों पे घूम रहे हैं जबकि अब सारे लोगों को बसों से घर भेजा जा रहा है, ट्रेनों से घर भेजा जा रहा है। तो इसके दौरान इनसे बात करने के वक्त इन्होंने बताया कि घर इनका गोरखपुर में ही अली नगर में ही है, ये किराए के मकान में रहते हैं। उसके बावजूद वहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से घर नहीं जा पा रहे हैं। छुआ है तो लागू भी नहीं किया जाए, लफड़ा हुआ वानिया नगर में तो गए रह जा रहा हूँ, ज्यादा लफड़ा नहीं पाएंगे। चलो कोई बात, झड़ी झाड़ा ना करो तो हम अपने काट लेंगे, जुगाड़ करेंगे। हाँ इधर उधर रहने से आपको भी डर है? हम लोग डर तो नहीं है। मान लीजिए कहीं किसी से छुआ गए तो कहीं उल्टा भी ना हो जाए। ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा? मोहल्ले वाले, अपना प्रशासन, सरकार, या किसको दोष देंगे? अपना नाम बता दीजिए आप। हमारा नाम राधे श्याम है। मकान नंबर कहाँ का? अपना जहाँ रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ आपका नंबर मर पता नहीं है भाई। अली नगर में कहाँ पे? चलिए ठीक है, तब ये हम कल फिर मुलाकात होगा आपसे। कल आपसे फिर यही मुलाकात होगा तब। अरे हम लोग 7-8 बजे आते हैं रोज खाना लेके। ठीक है ठीक। नंबर हमारा ले लीजिए, खुला रहेगा तो हम। चलिए ठीक। खोल के दे रहे हैं, इसमें स्विच ऑफ कर दे, ज्यादा कहीं बात नहीं करते। जब अपने कोई खास रहता भाई है तो बताते हैं इतना। ठीक है हम आपको अपना नंबर दे दे रहे हैं। ठीक है। इनके साथ दिक्कतें दो तरीके से है। एक तो इनके पास किराए के सिवा कहीं रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और इनके घर वालों ने इन्हें अपने पास रखने से मना कर दिया, जो कि मोहल्ले वाले मिलकर इनको अपने घर पे नहीं रहने दे रहे हैं। और इन्हें धमकी दे रहे हैं कि अगर आप मोहल्ले में आ जाएंगे तो फिर आपको सारे परिवार को हम लोग खाली करा के फेंक देंगे यहाँ से, या फिर भेज देंगे, इनको ऐसा बोला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये सड़कों पे ही हमको लग रहा है पिछले एक हफ्ते से ही ऐसे घूम रहे, टहल रहे हैं। और आप ये वीडियो जिस माध्यम से भी देख रहे हैं, आप लोग बताइए कि ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास सिर्फ एक ही चीज़ साधन होता है, जो भी हमारे पास भोजन पैकेट और पानी होता है वो तो हमने आज दे दिया, लेकिन इसके बाद इनका क्या? क्या ये यूं ही ऐसे सड़कों पे घूमते रहेंगे? था हमारा फैमिली सब वहाँ पे फंसे लाए, हम लोग यहाँ पे कर खाने के लिए आया था, हमारा माँ, हमारा फैमिली, बच्चे वहाँ पे है। बहुत खुश है हम लोग।